प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। पूरे देश में कोरोना महामारी से हाहाकार है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच कोरोना संकट बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल में चुनावी मौसम और भीषण गर्मी के बीच कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन कोरोना संक्रमण के मामले नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अगर 24 घंटे की बात करें तो कोरोना संक्रमण के मामलों ने काफी टेंशन बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 16,000 मामलों की पुष्टि की गई है। ये पश्चिम बंगाल के कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में सबसे ज्यादा संख्या है। चिंता की बात यह है कि यहाँ सेकेंड वेरिएंट के मामले समूचे राज्य में पांव पसार रहे हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं पश्चिम बंगाल में कोरोना संकट पर। पिछले 24 घंटे में कुल 48,562 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से कुल 15,992 संक्रमण के केस निकलकर सामने आए। वहीं इसके बाद कुल मरीजों की संख्या 7,59,942 हो गई। वहीं 24 घंटे में रिकवर करने वाले लोगों की संख्या 9,775 है, जिसके बाद कुल रिकवर मामलों की संख्या 6,53,984 हो गई है। वहीं बंगाल स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि एक दिन में सर्वाधिक 68 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 11,009 हो गई है। वहीं 24 घंटे के दौरान 6,149 एक्टिव मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। राज्य भर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या 94,949 पर पहुँच चुकी है, जो एक बड़ी चिंता की बात है। मार्च महीने तक एक्टिव केस की संख्या महज 3,000 थी। सिर्फ 25 दिन में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 95,000 पहुंचना चिंता का कारण है। अब तक 1,02,00,000 से ज्यादा सैंपल की जांच की गई है। हालांकि कोरोना के संक्रमण के बढ़ने की बहुत बड़ी वजह चुनावी रैलियों में मौजूद भीड़ को कहा जा सकता है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। चुनाव प्रचार के बीच कई बार कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ा गया। पूरे देश में जनता को कोरोना प्रोटोकॉल सिखाने वाले खुद कई बार बिना मास्क के दिखे। ऐसे में सवाल बस इतना है कि क्या राजनीति में सब कुछ जायज है। इसी के साथ देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।